नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज हम जानेंगे पूजा विधि। आप चाहे नवरात्रि की पूजा कर रहे हो या फिर शिवरात्रि पूजा, प्रतिदिन की पूजा हो, संध्या पूजा हो, ये जानकारी आपको सभी में काम आने वाली है। हमारे पास बहुत दिनों से काफी कमेंट आए थे कि मैडम, आप पूजा की जो छोटी छोटी बातें होती हैं वह हमें शेयर करें, वह हमें बताएं। तो जिसमें विशेष प्रकार से कि हमें कलश कहाँ रखना चाहिए, दीपक को कहाँ पे प्रज्वलित करना चाहिए, या फिर जो हम भोग प्रसाद चढ़ाते हैं वह हमें कहाँ पे रखना चाहिए, तो सभी छोटी छोटी बातें, और पूजा से पहले जो हम संकल्प लेते हैं या फिर आचमन करते हैं वह कैसे करें, ये आज के वीडियो में हम यही सभी विशेष बातें आपके साथ शेयर करेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बहुत आवश्यक सूचना। दोस्तों, हमारे पूरे विश्व में ये वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, और बहुत ही खतरनाक है ये। हमारे छींकने और खांसने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से फैल रहा है और बहुत तेजी से, तो हमें इसे मिलकर हराना है। तो इसके लिए हमें लोगों से डिस्टेंस बना के रखना है, लोगों से दूरियां बनाने से ये वायरस एक दूसरे तक नहीं पहुंचेगा और इसे हम हराने में कामयाब होंगे। तो आप सभी सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहें, लोगों से मिलना जुलना कम करें, अपने जब भी आप घर से निकलें तो अपने फेस को कवर करके, यानी कि फेस मास्क पहनकर निकलें, अपने हाथों को हर 2 घंटे बाद वॉश करते रहें, और अपने घर की कुंडी, खिड़की, दरवाजों की जो रेलिंग है वो सभी को सैनिटाइज करेंगे और इस वायरस से हम बचे रहेंगे। तो आप सभी को यह कार्य अवश्य करना है। चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पूजा कैसे होती है, यानी कि पूजा हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, पूजा कैसे कर सकते हैं। तो पूजा कई प्रकार से की जाती है, जैसे कि पंचोपचार पूजा, यानी 5 प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करके जब भी हम पूजा करते हैं उसे पंचोपचार पूजा कही जाती है। दसोपचार, यानी कि पूजा में आप 10 प्रकार की सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे दसोपचार पूजा कही जाती है। षोडोपचार पूजा, यानी पूजा में हम 16 प्रकार की सामग्रियों का समावेश करते हैं तो उसे षोडोपचार पूजा कहते हैं। और राजसी पूजा, जैसे कि राजा महाराजाओं के समय में करते थे, राजा महाराजा लोग करते हैं, तो उसमें 1108 चीजों का प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार से पूजा करने की विधि बताई गई है। तो आप किस तरह से कर रहे हैं यह विशेष मायने रखता है। तो साधारण तरीके से लोग प्रतिदिन की पूजा हो उसे पंचोपचार द्वारा करते हैं, और जो विशेष पूजा होती है जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि, इसमें हम षोडोपचार द्वारा या फिर दसोपचार द्वारा पूजा करते हैं। तो इसमें हमें क्या पहले करना चाहिए, कैसे हमें मंत्रों का उच्चारण, यानी कि आप जो देवी देवता का आवाहन कैसे करना चाहिए, कलश पूजन, ये तो मैंने आपको सभी वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है, लेकिन अभी इस वीडियो में कुछ विशेष छोटी छोटी जानकारी हम शामिल करेंगे। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मन को एकाग्र करना होता है पूरे भाव से। जब आपको अंदर से भावना, जैसे कि आप कोई कार्य करते हैं और पूरे भाव विभोर होकर करते हैं, चाहे आप गाना गाते हैं, आप खाना पकाते हैं, आप रेसिंग करते हैं, कोई भी आपके अंदर टैलेंट वह करते हैं, तो आपका बहुत जल्दी हो जाता है और बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। तो इसलिए पूरे भाव से आपको पूजा करने की आवश्यकता होती है, तभी आपकी बातें, आपकी भावनाएं देवी देवताओं तक पहुंच पाती हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दूसरी अहम बात है कि आपको पूजा में शुद्धि का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपकी सभी चीजें शुद्ध होनी चाहिए, जो आप सामग्री वहां पे भगवान देवी देवता को अर्पित कर रहे हैं, और स्वयं भी शुद्ध हो, आपके वस्त्र शुद्ध हो, आप स्वयं मन से शुद्ध हो, तो तब आपका पूजा सफल माना जाता है। तो इसके लिए हमें शुद्धता का ध्यान रखते हुए सबसे पहले पूजा में आचमन बताया गया है। तो दोस्तों, आचमन करने के लिए आपको शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। यह जल गंगा जल हो तो अति उत्तम माना जाता है। आपको अपने हाथ में गंगा जल लेना है और मंत्र बोलना है, 3 बारी यह कार्य करना है आपको, 4थी बारी आपको अपने हाथ को धो लेना है। कि आपको जो मंत्र बोलने हैं, मंत्र हम आपको स्क्रीन पर भी दे देंगे लिखकर, और आपको करके भी दिखाते हैं कि आपको हाथ में जल लेना है और फिर आपको अपने, यानी कि जल को आपको पी लेना है। यदि आप कोई निर्जला व्रत रख रहे हैं जिसमें जल भी नहीं ग्रहण करना है, तो आपको अपने होंठों से लगा के उसको नीचे गिरा देना है।
तो इसके लिए आपको जो मंत्र बोलने हैं वह इस प्रकार से है, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। तो इस तरीके से है, चाहे आप केशवाय नमः पहले कह लें, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, तो आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर तीन बारी इस तरह से करने के बाद चौथी बारी आपको अपने हाथ को धो लेना है। बाई तरफ एक पात्र में आप रखें जिसमें आप उस जल को गिरा सके, क्योंकि जूठा हो जाएगा, तो उसमें आपको बोलना है ओम ऋषिकेशाय नमः। इस तरह से आप मंत्रों को बोलते हुए अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करना है। जब आपकी अंतरात्मा शुद्ध हो जाए तो आपकी जो भी सामग्रियां हैं उसे शुद्ध करना होता है, आपके वस्त्र शुद्ध करने होते हैं। वैसे भी आप स्नान ध्यान आदि करके तो पूजा में बैठते हैं, तो उसके बाद आपको अपने सभी चीजों को शुद्ध करना है, तो उसके लिए भी आपको मंत्र बोलने की आवश्यकता है। तो हम क्या बोलेंगे, ऊपर लिख दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो सके। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थं गतः पिबो वा अस्मरत पुंडरीकाक्षं सभ्यांतरः शुचि। इस तरह से मंत्र बोलते हुए आपको सभी चीजों पर वह जल छिड़कना है, इससे आपकी सभी चीजें शुद्ध हो जाती हैं। अब हम पूजा की शुरुआत करते हैं। तो पूजा की शुरुआत में सर्वप्रथम हमें गणेश की आराधना करनी होती है। प्रथम पूज्य देवता गणेश जी होते हैं, तो उनकी आराधना में हम मंत्र बोलकर उसका उनका स्मरण करते हैं, या फिर आपने प्रतिमा सामने रखी है तो उनका ध्यान करें। तो उसमें आपको बोलना होता है कोई भी मंत्र, आपको गणेश जी का बोल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आपको बोल के दिखा रही हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्वकायेषु सर्वदा। गणेश वंदना के बाद आपको संकल्प लेने की आवश्यकता होती है। कोई भी पूजा आप कर रहे हैं, जैसे कि नवरात्रि है या शिवरात्रि, कोई विशेष पूजा में संकल्प लेना चाहिए। और प्रतिदिन की पूजा, चाहे संध्या की हो या फिर आप सुबह की पूजा कर रहे हैं, उसमें संकल्प लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो संकल्प लेने के लिए आपको अपने हाथ में जल लेना है, थोड़ा सा पुष्प लेना है, अक्षत लेना है। बिना संकल्प किए आपका पूरा व्रत पूर्ण नहीं होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप कभी दान करें तो भी आपको संकल्प लेकर ही दान करना होता है। मैंने अपने दान की जो वीडियो बताई है, विधि कि कैसे हमें दान करना होता है, उसमें मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से बताया है, आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो आप संकल्प लीजिए अपने हाथों में थोड़ा सा अक्षत पुष्प और जल लेकर। संकल्प जिस देवी देवता को आपको पूजा करना है कि हे ईश्वर, हम आपका व्रत पूजा आराधना करना चाहते हैं और हम ये व्रत रखेंगे। निर्जला आपको रखना है या फिर आप फलाहार रख रहे हैं, 9 दिनों का रख रहे हैं, 2 दिनों का रख रहे हैं, जो भी है आप संकल्प में इस तरह से भगवान का ध्यान करते हुए बोलकर वहां पे जमीन पर आपको ये अक्षत पुष्प जल छोड़ देना है, यानी कि रख देना है। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना होता है, जो भी देवता का आपने पूजन करना है उनका हम ध्यान करेंगे, उनका आवाहन करेंगे, यानी आप उन्हें बुलाएंगे। तो इसके लिए भी आपको हाथ में जल अक्षत पुष्प लेना है और हाथों को जोड़ के प्रणाम करना है और उन देवी देवता को स्मरण करते रहना है, जैसे ओम दुर्गा देव्यै नमः, इस तरह बोलकर आप माता दुर्गा को प्रणाम करें और उनका आवाहन करें कि हे माँ दुर्गे, हम आपका पूजन करना चाहते हैं, हम आपका आवाहन करते हैं। इस तरह से आवाहन करते हुए आपने जो माता के लिए चौकी आसन जो भी दिया है उस पे आपको माता को स्थापित करना चाहिए या माता को समझना चाहिए कि अब माँ हमारे घर आ गई हैं। तो जब भी आप पूजा पाठ करें तो बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, अतिथि आते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं कि पहले आप उनके लिए दरवाजा खोलते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर उन्हें आप अपने घर में बिठाते हैं, फिर आपके पास जो भी चीजें होती हैं आप उन्हें खाने पीने के लिए देते हैं, तो उसी प्रकार से भगवान के पूजन में भी होता है। तो दोस्तों, आवाहन करने के बाद देवता को आसन देना चाहिए और फिर उन्हें हमें स्नान कराना चाहिए। तो स्नान कराने के लिए ये नहीं कि आपने जल बहुत ढेर सारा उनके ऊपर डाल दिया, एक पात्र आप रख लें और उन्हें स्नान कराएं, वस्त्र पहनाएं, उन्हें आप चंदन लगाएं, फिर उसके बाद उन्हें जो है आप पुष्प अर्पित करें और जो भी उनकी प्रिय वस्तुएं आपने अपने पूजा में रखी हैं उन्हें अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, जो भी चीजें आप भगवान को अर्पित करें, बोलना क्या है आपको, जैसे आपने जल चढ़ाया तो जलम समर्पयामि, यज्ञोपवीतम समर्पयामि, धूपम दीपम दर्शयामि, यानी कि आप उन्हें दर्शन करा रहे हैं, धूपम दीपम आप उन्हें दिखा रहे हैं,
नवेद जब आप चढ़ाएं यानी कि उन्हें भोग लगाएं तो निवेदितयाम यानी कि आप उन्हें निवेदन कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि यह चीजें ईश्वर आपके ग्रहण करें। बाकी जो सामग्री है आप समर्पयामी कह सकते हैं, और जो दीपक धूप दीप होता है उसे आप दर्शयामी, आप उन्हें दर्शाते हैं दिखाते हैं, और भोग के लिए आप उन्हें जो चीजें ग्रहण कराते हैं उसके लिए आपको निवेदन करना होता है। तो ये चीजें हम आपको लाइन में स्क्रीन पर लिख के दे देंगे जिससे आपको आसानी हो। इस तरह से सभी चीजें आपको बारी बारी देवी देवता को अर्पित करनी होती है, और जब आप उनका पूजन कर लें यानी कि धूप दीप दिखा लें, उन्हें जो भोग लगाना है उसको कर लें, उसके बाद उन्हें तांबूल अर्पित करना होता है जिसमें ये पान सुपारी लौंग इलायची होती है। तो वो तांबूल क्या होता है, मुख शुद्धि होती है। हम आप जब भी मेहमान का अतिथि का स्वागत करते हैं तो भी आप तांबूल लास्ट में देते हैं और फिर उन्हें दक्षिणा देकर उनकी विदाई करते हैं। तो इसी तरीके से आप भगवान को भी तांबूल अर्पित करें, उसके बाद हमें दक्षिणा देना होता है। और ये सभी चीजें करके भगवान को आपने नहला धुला के सजा दिया है, अब उन्हें आपने भोजन ग्रहण कराया है, बिठा दिया है, अब भगवान प्रसन्न होकर आप जो निवेदन करेंगे, आप जो उनको प्रार्थना करेंगे, वह प्रसन्नता पूर्वक भगवान आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब आप जो भी मंत्र आपको बोलना है, जो भी आपको चालीसा पढ़ना है, जो भी उच्चारण करना है, अब देवता के सामने आप प्रसन्न चित्त मुद्रा में आप उनके सामने कहें, और उसके बाद फिर देवता की आरती करनी होती है। तो आरती करने के लिए भी मैंने आपको आरती की विधि बताई है। आरती करने के बाद आप जिस भी देवी देवता को पूजन कर रहे हैं उनसे प्रणाम करना चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने के लिए भी आपको मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देवी परिपूर्ण तदस्तुमि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजा चे न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् करुणाभ्यं रक्ष मा परमेश्वरी। दोस्तों अब इसका हिंदी में अर्थ हम जानते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं, आप मेरा अपराध कृपा करके अपना दास समझ के क्षमा करें। मैं आवाहन करने नहीं जानती हूँ, विसर्जन करने नहीं जानती हूँ, ना ही पूजा का कोई ढंग जानती हूँ। देवी श्री, जो मैंने मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। हे जगदम्बिके, मैं आपकी अपराधी हूँ, आपकी शरण में आई हूँ और इस समय आपकी दया की पात्र हूँ। आप चाहे जैसा चाहे वैसा करें। परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रंत होने के कारण जो कुछ भी मैंने न्यूनतम या अधिकतम किया है वह सब आप क्षमा करें और प्रसन्न हूँ। हे सच्चिदानंद रूपिणी परमेश्वरी, जगत माता कर्मेश्वरी, आप मेरी पूजा को प्रेम पूर्वक स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हों। तो ऐसा बोलकर आप क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से आपने अपनी पूजा को संपूर्ण किया। ऐसा करने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलें, जो भी आपकी मनोकामना है आप माता के सामने रखें, रखना जरूर चाहिए, ये बहुत ही आवश्यक है। तो आपको क्षमा प्रार्थना के बाद, माता से अपनी प्रार्थना बोलने के बाद, अपने जो आपका आसन है आपको जल घुमाना है और अपने आसन पर जल डालते हुए उस आसन को उठा के तह करके रख लेना है, और पृथ्वी को नमस्कार करते हुए इंद्र देवता को 3 बारी ओम इंद्राय नमः ओम इंद्राय नमः इस तरह कह के आसन को हटाना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने, जैसे मैंने अपने हर पूजा में आपको ये चीजें बताई हैं, तो कई लोगों ने पूछा कि आप इस तरह इंद्र का नाम क्यों लेती हैं। देवताओं के राजा इंद्र होते हैं और इंद्र को बहुत ज्यादा भय रहता है, वो हमेशा भयभीत रहते हैं। उनका ये कारण होता है कि कोई भी, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई देवी देवता हो, बहुत अधिक पूजन आराधना करके वह देवताओं को अपने वश में ना कर ले और मैं अकेला हो जाऊं, तो ये उन्हें डर सताने लगता है। इसलिए इंद्र का नाम लेना चाहिए जिससे वह प्रसन्न रहे और उनकी भी कृपा आपके ऊपर बनी रहे। इसी मान्यता के अनुसार ये इंद्र को 3 बारी आपको बोलना चाहिए आसन उठाते वक्त, तो इस जो पूजा का प्रतिफल होता है आपको स्वयं मिलता है। दोस्तों ये थी जानकारी कि जो आप पूजा विधि करते हैं उसमें हमें छोटी छोटी बातों का क्या ध्यान रखना चाहिए। यदि हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं अपनी पूजा में, तो हमारी पूजा का जो प्रतिफल होता है हमें जल्द मिलता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हम पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखें और कैसे हम देवी देवता को प्रसन्न करें।